नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान के पाली में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेसजनों द्वारा शहर के बापूनगर स्थित कांग्रेस भवन के बाहर पटाखे की आतिशबाजी करके खुशी मनाई गई। जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का सत्य की जीत है। राहुल गांधी के संघर्ष जनता की आवाज राहुल गांधी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और आम जन के हित की बात उठाई गई। कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मानहानि केस में रोके लगाने के बाद संसद सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा था कि राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस लगाया गया था वह बेबुनियाद निराधार था। उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी संसद में पहुंचे और उससे पहले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन कर संसद पहुंचे। सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस में खुशी की लहर दिखाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, स्वायत्त शासन अध्यक्ष केवलचंद गुलेच्छा, प्रदेश सचिव भूराराम सिरवी, पूर्व विधायक भीमराव भाटी, विधानसभा प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई सहित सैकड़ों कांग्रेसजनों द्वारा आतिशबाजी कर मुंह मीठा करवाया। गांधी जी को जो सजा दी गई थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बहाल किया और उनको पुनः लोकसभा में आज वो पहुँचे हैं, तो जिस तरीके का पूरा देश में एक खुशी का माहौल है, जिस तरीके से आम आदमी महसूस कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, तो हम लोग उस खुशी का इजहार कर रहे थे। पटाखे बम सब छोड़ करके चले, राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, हम सब कांग्रेसियों की जीत है, इस देश की जीत है।